नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सासाराम में रामनवमी के बाद हुई हिंसा के बाद आज पांचवें दिन शांति का माहौल है। इंटरनेट सेवा अब भी बंद है और व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, लेकिन राहत की बात है कि जो हिंसा हुई थी वो अब थम गई है। बाजार की बात करें तो स्थिति यहां भी बिल्कुल सामान्य है। लोग घरों से निकल रहे हैं, बाजार खुली हुई है और आम दिन की तरह लोग जिंदगी जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्थिति ठीक हो, बेहतर है। रोहतास रेलवे स्टेशन के पास भी पहले की तरह आज भी गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वहीं धर्मशाला रोड मार्केट में हमेशा भीड़ लगी रहती थी, लेकिन हिंसा के बाद यहां सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। बस्ती मोड़ के पास मोची मोहल्ला में भी हालात अब सामान्य है। पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है तो अधिकारी भी अलर्ट मोड में है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले कुछ माहौल खराब था, लेकिन अब माहौल बिल्कुल सही है। हमारे संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव ने सासाराम में हिंसा के बाद आज ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। सासाराम में रामनवमी के बाद हुई हिंसा के बाद देखा जाए तो अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अभी हम खड़े हैं, देखिए सासाराम जो समरणालय है उसके ठीक सामने हम खड़े हैं और देखिए किस तरह से जिंदगी जो है लोगों की पटरी पर दौड़ रही है। एक तमाम लोग जो हैं सड़कों पे हैं, अपने कामों के लिए निकले हुए हैं और देखिए कि लोग आराम से अपने कामों में जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुकान जो है वो पूरी तरह से जो है खुली है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, तमाम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग जो हैं अपने कामों को जो है कर रहे हैं। तब सामान खरीदने आए थे जी? हाँ। क्या स्थिति है अभी? बहुत बढ़िया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल सब बढ़िया चल रहा है। बिक्री हो रहा है? जी। कैसा स्थिति है सासाराम का? ठीक है, ठीक है। तो देखिए बिक्री हो रही है और साफ तौर पर इनका कहना है कि सासाराम की स्थिति जो है वो ठीक है, बिक्री चल रहा है। क्या बिक्री चलेगा सर, माहौल देख रहे हैं तो दिन पर दिन स्थिति खराब हुआ जा रहा। स्थिति तो ठीक है, पूरा सड़क पर देखिए लोग, बाजार लगने से नहीं होता है। दूर दराज का 10 किलो 20 किलो 50 किलोमीटर का कोई भी ग्राहक आएगा, मैंने आवागमन नहीं है बाजार में, यही है। इनका कहना है कि आवागमन है बाजार में नहीं है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है बाजार में निकले हुए हैं, महिलाएं हुए हैं और तमाम लोग जो है महिलाएं हैं, तमाम लोग जो हैं वो खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। कैसा बाजार चल रहा है अभी? मार्केट कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। इधर माहौल तो खराब है। क्या खराब है? ठीक है अभी सब, हम लोग इधर ठीक है, उधर मतलब नहीं जानते। अभी स्थिति कैसी है यहाँ की? हम तो सर ससुराम ग्रहण वाले के अभी बाहर से आ रहे हैं। हाँ। इसके बारे में क्लियर अभी देख के कैसा लग रहा है? अभी तो मौसम सामान्य लग रहा है, हालात तो सामान्य लग रहा है। वैसे हालात सामान्य, देखिए ये बाहर से आ रहे हैं लेकिन इनका कहना है कि हालात जो है देख कर लग रहा है कि सामान्य लग रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम देहात जाता नहीं। जी हाँ। कैसन बा अभी स्थिति? अभी तो स्थिति ठीक बा। हाँ। देखिए इनका कहना है कि ये गांव जा रहे हैं और यहाँ की स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दुकान पूरी तरह से है, खुली हुई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे आपको कि छोटे छोटे होटल हैं और वहाँ पर जो है लोग खाना जो है खा रहे हैं, खरीद के तमाम चीज़ें, चाय की दुकानें खुली हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं और लोग जो है आम जिंदगी जिस तरह जीते हैं उसी तरह जो है आज भी हुआ है। और लोग दुकानदारी कैसा चल रहा है? दुकानदारी खत्म हो गया है। कैसे? कैसे दंगा हो गया है तो कोई नहीं होगा, पैसा ही ना, देहात से आदमी नहीं आ रहे हैं, दुकानदारी नहीं चल रहा है। देहात से आदमी नहीं आ रहे हैं। सासाराम की क्या स्थिति है अभी? भैया सासाराम की स्थिति तो अभी शांत है, माहौल अभी ठंडा है और आगे क्या होगा भगवान जाने। लेकिन अभी सामान्य है? सामान्य है।
अभी क्या? अभी सामान है, अभी तो सामान है, अभी तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। जैसा जैसा जिसको अपना अनुभव है अपने अनुभव से ना बोलेगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं है, ये है वो है। सर ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ नोकझोंक हो गया था और बाकी स्थिति सब सामान्य है। ये कुछ नेताओं और कुछ राजनीति दलों का राजनीति है कि अपने भाईचारे को खत्म करवा रहे हैं हम लोगों के भाईचारे को। इसलिए सभी लोगों से उम्मीद है कि शांति बनाकर रखें और भाईचारे की एक मिसाइल बनाकर रखें। देखिए तो इनका कहना है कि कुछ नेता हैं जो लोकल हैं, कुछ लोग हैं वो अफवाह फैला रहे हैं। स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य होती जा रही है लोगों का कहना है। अब देखिए मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे अभी जिस तरह के माहौल है उसको देखकर कैसा लग रहा है कि क्या स्थिति है? अभी तो ठीक ठीक है, लेकिन देहात के लोग अभी नहीं आए और जितना यहाँ रहता था चहल पहल उतना नहीं है। जिंदगी पटरी पर दौड़ रही है? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रही है। माने अभी जिस तरह से पूरा मार्केट खुला हुआ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, उसको लेकर तो कुछ वैसा नहीं लग रहा है? अभी तो मार्केट खुला ही है, लोग आ रहे हैं, लेकिन अब कल भी ऐसा ही खुला हुआ था। कल भी खुला था, दो तीन दिन से खुल रहा है। हाँ तो ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि लोगों की अपनी अपनी राय है, लोग अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों के कारण जो है ये स्थिति जो है बन रही है, कुछ लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं। हम चलते हैं आगे की तरफ और वहाँ दिखाते हैं, क्योंकि शेरशाह का जो है मकबरा यहीं से रास्ता जाता है, एक गेट बनाया गया है और वहाँ भी जो है तमाम दुकानें जो हैं वहाँ पर हैं। और वहाँ चलते हैं, वहाँ की स्थिति को दिखाएंगे तो वहाँ किस तरह की स्थिति है। और देखिए किस तरह से जो है सड़क पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग जो हैं वो आराम से कहीं भी आना जाना है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। देखिए स्कूल की छात्राएं जो हैं, कॉलेज की छात्राएं हैं वो निकली हुई हैं। और ये जो गेट है, यह गेट जो है शेरशाह के मकबरे के पास जो है वो जाता है। और यहाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो है स्थिति सामान्य रूप से है। और देखिए लोग जो है अपनी दुकान लगाए हुए हैं, लोग जो है आराम से अपने कामों को कर रहे हैं। और देखिए दुकान बिक्री कैसा चल रहा है? घी चलता नहीं है। बिक्री कैसा चलता है? एकदम मंदा चलता। तो देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे लोगों से बात करेंगे, यहाँ जानते हैं कि किस तरह से जो है। देखिए गेट के अंदर भी लोग जो है दुकान लगाए हुए हैं, लोग अपने जरूरत के सामान को जो है वो लोग। किस तरह की स्थिति दिख रही है अभी सासाराम? तो ये जो है सीधे जो सड़क वो शेरशाह के मकबरा के पास जाता है। और देखिए किस तरह से लोग जो है उधर से आते जा रहे हैं। स्थिति एकदम पहले की तरह जो है वो दिख रही है। कई लोगों का ये कहना है कि जो गांव से जो लोग हैं वो अब मार्केट नहीं पहुंच पा रहे हैं, धीरे धीरे वो पहुंच रहे हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए आम दिनों की तरह जो है स्थिति एकदम सामान्य सासाराम में दिखने लगी है। कम विजय के साथ रूपन श्रीवास्तव, जी मीडिया सासाराम। रामनवमी के बाद जिस तरह से सासाराम में हिंसा भड़की और माहौल जिस तरह से रहा, कई राउंड जो है गोलियां चली, बम के धमाके हुए और फिर लोग जो है घर छोड़कर बाहर चले गए। उसके बाद देखा जाए तो सासाराम की स्थिति अब बिल्कुल शांतिपूर्ण है, क्योंकि शेरशाह के मकबरे के आसपास ये घटना घटी थी और वहीं जो है
माहौल जो है अशांत रहा। शहर की बात की जाए तो शहर बिल्कुल पूरी तरह शांत रहा और आज भी शांत है। आप देखिए कि हम सासाराम जंक्शन के पास हैं और यहाँ बिल्कुल जो है माहौल शांत है। तमाम लोग अपने काम के सिलसिले में निकले हुए हैं, दुकानें जो है वो खुली हुई हैं और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह जाम यहाँ पर है आम दिनों की तरह, क्योंकि जब पब्लिक सड़क पर रहती है अपने कामों में रहती है तो अक्सर जो है जाम लगता है। तो पूरी तरह से सासाराम की बात की जाए तो पूरी तरह से सासाराम अभी शांत है और जिंदगी जो है पटरी पर लौट आई है। कम विजय के साथ रूपन श्रीवास्तव और जी मीडिया सासाराम। अभी हम सासाराम के धर्मशाला रोड में हैं और यहाँ देखिए कि लोग जो है अपनी दुकानों को खोलकर बैठे हुए हैं। जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट आई है और ख़ास करके जो है लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, सामान ले रहे हैं, दुकानें खुली हैं, लोग जो है दुकानों से जो है अपने आवश्यकताएं की जो चीज़ है वो तमाम चीज़ों को ले रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ अपने परिवार के साथ जो है वो आए हुए हैं। दुकान पूरी तरह से खुली है, दुकान में भीड़ है, बाजार में जो है भीड़ है। दोपहर का समय है तो थोड़ा बहुत जो है भीड़ जो अक्सर जो सासाराम में शाम के समय रहता है उस तरह का नहीं है, लेकिन तब भी जो है बाज़ार में पूरी तरह से जो है भीड़ है। लोग निकले हुए हैं, सामान जो है खरीद रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ बताइए कि क्या माहौल है अभी सासाराम का? माहौल इधर ठीक है, गोला में खराब है। इधर क्या मैंने गोला में उधर मैंने उधर से जो है उधर स्थिति खराब है। इधर अभी सही है। पहले तो वो पुलिस दौरा कर रहा है और कादिरगंज का माहौल खराब है। क्या स्थिति है अभी सासाराम बाजार का? सासाराम बाजार का स्थिति ठीक है, आगे चल के भी अब देखिए क्या होने वाला है। ठीक होगा, जो होने वाला होगा सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है अभी तो, ठीक है अभी, कोई तरह की परेशानी नहीं है। सब दुकान खुल रहा है, सब आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं। प्रशासन, हाँ लोग खरीदारी कर रहे हैं, प्रशासन अपना ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो पुलिस वाले अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। और देखिए चाची क्या खरीद रही हैं? कपड़ा खरीद रहे हैं। आई तो कोई डर उर लगा था आने में? अरे डर तो घर ही लगत रहे, सुननी है जाता, लेकिन एनी है तो ये तो डर नहीं लगत। ये सब ठीक बा? हाँ सब ठीक बा। देखिए इनका कहना है कि केवल अफवाह जो हुआ है उसके लेकर जो है डर लगा हुआ था, लेकिन जब वो आई हैं तो उनको जो है कुछ वैसा लगा नहीं है। आई हुई थी सामान खरीदने तो क्या घर से निकली तो कैसा माहौल पता चला? ठीक है, माहौल अच्छा है। उस समय क्या हुआ था? अरे आंधी चल घर से ना। उस समय हम लोग नहीं आए थे, आज आए हैं। ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। देखिए इनका का नाम है कि माहौल जो है बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, माहौल जो है अच्छा है और मार्केट में जो है लोग सामान खरीद रहे हैं। देखिए आगे लोग जो है वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। कैसा माहौल है अभी? माहौल सही है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक। तो देखिए किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं और तमाम लोग जो हैं अपनी दुकानों को खोल कर रखे हैं। कैसी स्थिति है? मार्केट खुला हुआ है? बाजार सन्नाटा है, बाहरी लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जब हम लोग घर से निकले थे तो उस समय जो है वो ये बताया जा रहा था कि दिक्कत होंगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए पुलिस जो है पेट्रोल कर रही है, पुलिस की गाड़ी लगातार जो है घूम रही है। पहले क्या माहौल था, अब क्या है? माहौल पहले भी शांतिपूर्ण थी, आज भी शांतिपूर्ण है और झूठों
रूमर फैलाया जा रहा है शहर की उस तरफ, जो भी प्रॉब्लम है शहर के उस तरफ ही दिखाई दे रही है। इधर बाजार तो आप देख ही रहे हैं, नॉर्मल चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेवजह अफवाह फैलाया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, जबकि उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अफवाहों के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है, रोजगार पे असर आ रहा है। इसलिए आपके माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, आम जन सब ठीक ठाक चल रहा है। इसलिए इस अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने कार्यों पे वापस लौटने का कोशिश करें। कैसा अभी माहौल है? माहौल अभी फिलहाल ठीक है, पहले से बेहतर है, लेकिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इंटरनेट सेवा अभी फिलहाल बंद है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। और फिलहाल मिला जुला के पहले से बेहतर माहौल है। देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पहले से काफ़ी अच्छा माहौल है, जिंदगी पटरी पर दौड़ गई है, लोग जो है आम दिनों की तरह जो है मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन अफवाह जो है वो कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सबब बनती जा रही है। लोग अफवाह, जैसे कि गांव से लोग जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वहां अफवाह का ही है, वहीं कई लोगों का कहना है कि इंटरनेट सेवा बंद है, इसको लेकर भी परेशानी हो रही है। कैमरन विजय के साथ रुपेन श्रीवास्तव, जी मीडिया सासाराम। सासाराम में स्थिति अब सामान्य होती दिख रही है। रामनवमी के जुलूस के बाद यहाँ जमकर उपद्रव हुआ था, इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन अब स्थिति में सुधार है, जिंदगी पटरी पर लौट आई है। खासकर कामकाजी लोग जो काफी परेशान थे, वे अब अपने अपने काम पर लौट गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के कारण पूरा शहर तबाह हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। रामनवमी के बाद जिस तरह से दो समुदायों के बीच जिस तरह से माहौल बिगड़े थे, लेकिन अब सामान्य स्थिति होते हुए नजर आ रही है। मैं इस वक्त सासाराम के करागर मोड़ पे स्थित खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि जो वाहन हैं, कई तरह के वाहन सुचारू रूप से चल रहे हैं, बस चल रहे हैं और छोटे छोटे वाहन भी चल रहे हैं, और कई तरह के दुकानें हैं खुली हुई है और जनजीवन जो है बिल्कुल सामान्य हो गया है। जो रोज हैं रोजमर्रा के जो काम है लोग आम जन अपने कर रहे हैं, लगातार अपने कामों में लगे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी? सर अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं तो अभी देख ही रहे आपके सामने चहल पहल है, और रही बात कि सर के बीचों बीच कुछ लोग हैं कि ऐसे खुरपात कर रहे हैं, अब किस जाति के किस धर्म के ये बताया नहीं जा सकता है। पुलिस अपना कार्रवाई खुद कर रही है, स्वयं दबाव है पुलिस की तरफ से, एकदम रोकथाम है, कोई घबराने की डरने की बात नहीं है। बिल्कुल घबराने की और डरने की बात नहीं है, लोगों में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे भी विश्वास है कि लगातार जो लोग हैं अपने कामों में लगे हैं और जनजीवन जो है बिल्कुल ही सामान्य हो गया है। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जी बिहार झारखंड।